हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लोहड़ी स्पेशल होने वाला है और इसमें हम बनाएंगे पॉपकॉर्न और उसके साथ ही हम बनाएंगे तिल और गुड़ से बहुत ही खस्ता रेवड़ी। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया है। इस तरह से आप सबसे पहले कढ़ाई में बटर डाल दीजिए, और अगर आप बटर न डालना चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। बटर की जगह आप ऑयल डाल दीजिए, या फिर थोड़ा बटर और थोड़ा ऑयल इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने मक्का के दाने डाल दिए हैं, ये मार्केट में अलग से आते हैं, स्पेशली पॉपकॉर्न के नाम से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है, एक मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पहले फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक कि बटर और मक्का के दाने आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। इस तरह से ये अच्छे से गर्म हो गए हैं और आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर हम इसको लो कर देंगे। तीन से चार मिनट में हमारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पॉपकॉर्न बनकर रेडी हैं। अब बनाएंगे हम रेवड़ी। तिल और गुड़ से हम ये रेवड़ी बनाने वाले हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी तिल ले लिया है। ये सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप कढ़ाई में तिल डाल दीजिए और इसे चार से पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए। इस तरह से मैंने तिल को पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखा था। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में डेढ़ चम्मच घी डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, लगभग दो चम्मच पानी आप इसमें डाल दीजिए और इसे चलाते रहिए। जब तक गुड़ ना पिघल जाए तब तक फ्लेम को हाई रखें और उसके बाद फ्लेम को मीडियम रख दें। अब गुड़ पिघल गया है, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। जैसे जैसे गुड़ पकने लगेगा इसमें थोड़े से झाग आने लगेंगे और इसे तीन से चार मिनट तक हमें पकाना है। फ्लेम को मीडियम रखना है और तीन से चार मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। और इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में इसे डाल के देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं इसका एक ड्रॉप डालकर देख रही हूँ। और इसे चेक करेंगे, अगर ये कांच की तरह दिखने लगे इसका मतलब ये तैयार है। इसको तोड़ने पर अभी यह टूट नहीं रहा है, इसका मतलब अभी हमें इसे और पकाना है। दो से तीन मिनट और इसे मैं चला लूँगी। अब दोबारा से मैं इसको चेक करके देखूँगी। पानी में मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं, अब इसे मैं चेक करूंगी। यह टूटने लगा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब जो तिल मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे उसे इसमें डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। तिल और गुड़ को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी होना चाहिए। तिल और गुड़ के मिश्रण को जब आप मिला लें तब उसे गरम गरम में ही हमें रेवड़ी का शेप देना होगा। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ तोड़कर इसे रेवड़ी का शेप दे देंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा मिश्रण उठा लीजिए, जिस भी शेप की आपको रेवड़ी बनानी है। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप थोड़ा बड़ी गोली बना लीजिए या फिर थोड़ी छोटी सी गोली बनाकर उसे प्रेस कर लीजिए और रेवड़ी का शेप दे दीजिए। इस तरह से ये रेवड़ी बनकर तैयार है। और जब भी आप इस मिश्रण को अपने हाथ में उठाएंगे उससे पहले अपने हाथों पर थोड़ा पानी लगा दीजिए। और इसका दूसरा तरीका यह भी है, यह आसान तरीका है। आप इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और किसी कटोरी से इसे प्रेस कर दीजिए और फटाफट से इसकी रेवड़ियाँ बना लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप रेवड़ियाँ बना रहे हैं उसे गरम गरम मिश्रण में ही बनाना होगा। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर रेवड़ी बन नहीं पाएगी। तो तैयार है हमारी स्वादिष्ट रेवड़ी। तिल और गुड़ से बनी ये रेवड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।